वृक्ष हमारे जीवन की महती आवश्यकता है, साथ ही पर्यावरण को बनाए रखने में भी महती भूमिका रहती है, पर यदि इनकी देखरेख ना हो तो यह मुसीबत का सबब भी बन जाते हैं। यही हाल है जिला मुख्यालय से लगी 19 एकड़ में फैली बर्गी कॉलोनी परिसर, जिसमें लगभग 100 आवासीय मकान और उसमें लगे 5000 से अधिक वृक्ष सुंदरता बिखेरते हैं। वही 35 वर्षीय कॉलोनी परिसर में 50 फीट से लेकर 80 फीट तक ऊंचे हो चुके वृक्षों की ना तो कटाई छटाई होती है और ना ही सूखे वृक्षों को हटाया जाता है, जिसके चलते आए दिन शहरवासियों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से लगी रानी अवंतीबाई परियोजना के तहत बनाई गई बर्गी कॉलोनी और उसी से लगी कुछ और रहवासी कॉलोनियां हैं, जहां वर्षों पहले हजारों की संख्या में वृक्ष लगाए गए थे, जो आज विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। इसमें बहुत से पेड़ सूख चुके हैं और बहुत से गिरने की स्थिति में हैं, और इन्हीं वृक्षों के बीच से इन सभी कॉलोनियों में विद्युत की आपूर्ति भी होती है। स्कूल भी हैं और रहवासी मकान भी हैं। बारिश के आते ही तेज हवाओं के चलने से हर वर्ष लोगों को जहां कई प्रकार का नुकसान झेलना पड़ता है, वहीं बिजली आपूर्ति भी कई घंटों ठप रहती है, पर विभाग के सुनने का नाम ही नहीं लेता। रहवासी बहुत परेशान है और आने वाली बारिश में खतरों का फिर सामना करने पर मजबूर हैं। पर यदि वृक्षों का उचित रखरखाव किया जाए, समय समय पर काट छांट की जाए और सूखे वृक्षों को काट कर अलग कर दिया जाए तो बिजली आपूर्ति भी ठीक हो सकती है। मैं पवन राय। पवन, बर्गी कॉलोनी कैंपस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर विशालकाय वृक्ष खड़े हुए हैं और देखा जा रहा है कि बहुत तादाद में जो वृक्ष है वो सूखे भी खड़े हुए हैं, तो क्या इससे कोई हानि हो सकती है? हो सकती है, ऐसे पहले हुई भी है हानि है। वृक्ष अगर जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो वृक्ष गिर जाते हैं, तार के खंभे टेढ़े हो जाते हैं, जिससे लाइट गोल रहती है दो दो तीन तीन घंटे, कभी कभी एक एक दो दो दिन नहीं आती है, हानि तो बहुत है। यहीं आसपास स्कूल भी है, उसमें भी नुकसान, मतलब अगर गिर जाए तो। ये बताना चाहूँगा कि बर्गी कॉलोनी परिसर के अंदर बहुत विशालकाय बड़े बड़े वृक्ष आवासीय क्षेत्रों पर लगे, जहाँ आवासीय निवास हैं वहाँ पर, तो क्या मानते हैं कोई घटना घट सकती है इससे, क्योंकि आपका लगातार यहाँ दौरा रहता है? कभी भी यदि आधी तूफान चलेगा तो घटना तो घटेगी, और उससे हो सकता है किसी जनहानि भी हो सकती है। विद्युत आपूर्ति की यदि हम बात लेकर करते हैं, तो क्योंकि वृक्षों से ही विद्युत मंडल के तार जो हैं वो बंधे हुए हैं, वो कहीं जो डीपी या पोल लगे हुए, तो पोलों के नज़दीक ही जो है वो वृक्ष सूखे खड़े हुए, तो विद्युत आपूर्ति भी पर भी असर पड़ सकता है? नहीं, प्रभावित होगी ही। ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्गी कॉलोनी के बने हुए 30 से 35 साल हो गए हैं, हमारे पास वृक्षारोपण बहुत पुराना है और उसमें झाड़ों का सूखना और आंधी तूफान में टूटना एक सतत प्रक्रिया है, तो इस संबंध में हम हर साल कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। और हमारे जो सहायक यंत्री हैं, जो प्रभारी हैं, उनको हमने इस संबंध में आदेश दे दिया है और हमने आदेश प्रसारित कर दिया है कि जो सूखे झाड़ हैं उनकी नीलामी करके उन्हें काटा जाए, और जो हरे झाड़ हैं उनको काट छाट करके, विशेषकर जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक की लाइन है उनके नीचे, हम उनको कटवा छटवा के और सुरक्षित करते हैं, जिससे जनमाल की हानि ना हो, हमारी सौंदर्य और वृक्षारोपण को भी नुकसान न पहुँचे। सर, बड़ी बात।